रसूल का, जन्नत रसूल की, और दोजख में कैसे जाएगी उम्मत रसूल की, तो भर दो झोली। शाहरुख ने आलम बहाउद्दीन जकरिया के नवासे और मशहूर सूफी सेठ, जिन्होंने अपने दादा के रूहानी मकासद को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। 1251 में पैदा हुए, उन्होंने इस्लामी तालीमात को बढ़ावा देने और लोगों के दरमियान इत्तेहाद को बरकरार रखने में अपना किरदार अदा किया। शाहरुख ने आलम का मज़ार मुल्तान में है, जो एक रूहानी अहमियत का पैगाम देता है। इस इस्लामी आर्किटेक्चर का आगाज़ ना सिर्फ इबादत के लिए होता है, बल्कि यहाँ उलमा, मुरीद और तालिब इल्म भी आते हैं। शाहरुख ने आलम की ज़िंदगी का अहम हिस्सा उनके दादा की ज़िंदगी से जुदा नहीं हो सकता। उन्होंने अपने दादा की रूहानी विरासत को बरकरार रखने के लिए अपनी ज़िंदगी को उसी रास्ते पर ताकत देने का फैसला किया। शाहरुख ने आलम ने मुल्तान और उसके आसपास के इलाकों में इस्लामी तालीमात को फैलाने में अपना किरदार अदा किया। बहाउद्दीन जकरिया और शाहरुख ने आलम ने मुल्तान की सकाफती और रूहानी मनाजिर में अपना मौकम बनाया है, जिसे ज़माना कदर व इज़्ज़त से याद रखेगा।